क्या कहा आपने? मैं माया के लिए हमदान का रिश्ता लेकर आई। क्या सोचकर? मुझे माया पसंद है, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। पसंद तो आपको रिश्मा में थी। वो किस्सा तो अब खत्म हो चुका है। और उस किस्से के साथ सारी रिश्तेदारी खत्म हो चुकी। लेकिन वो नजात, बस तो बिना बताए मुंह उठाकर मेरे घर चली आई, लिहाज करते हुए आपको अंदर लाकर बिठाया ना। आप तो मुझे सर चढ़ने लगी, मेरी बेटी का हाथ मांग रही है। बेगैरती की इंतहा हो गई। आंखों देखी मक्की कौन निकले भाई? जिस लड़के को अब पूरे खानदान में लड़की कोई नहीं देता, उसको मैं अपनी बेटी का रिश्ता कैसे दे दूं? इतना बुरा नहीं है मेरा बेटा होना। बहुत अच्छा है। वो दुनिया का नेक शरीफ लड़का है। फिर भी मैं यही कहूंगी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो एक बार माया से पूछ कर तो देखो। ना मत ले मेरी बेटी का। दान के साथ बयाने से बेहतर है मैं उसे सारी जिंदगी घर बिठाई रखूं। देखो ठंडे दिमाग से सोचो तो। कितनी ढीठ है आप। मैं कब से आपको बातें सुनाई जा रही हूँ और आप हैं कि यहीं की यहीं खड़ी हैं। आपको तो एक बात सुने बिना ही चले जाना चाहिए। करे है तंग खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, संग दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। मॉम क्या कह मनाजा आंटी ने? क्या कहना था उसने? वही जिसके डर से मैं जाना नहीं चाह रही थी। इनकार कर दिया उसने मुझे। इनकार कर दिया? सिर्फ इनकार नहीं, अच्छी खासी बेइज्जती भी की है मेरी उसने। बेइज्जती आपकी? मैं तो इसे भी शुक्र अदा कर रही हूं कि उसने मुझे धक्के देकर बाहर नहीं निकाल दिया।